हमको लेट हुई नहीं अभी और भाई आ गए पानी। हे दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड नाइट भी नहीं बोल सकते कुछ भी। तो हे दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बहुत चंगी हूँ। तो सबसे पहले अपने से बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम फैला जय माता दी करता है। आज के ब्लॉग को स्टार्ट, ये ब्लॉग है मेरा बहुत मज़ेदार होने वाला है। और आज जा रहे हैं हम मूवी देखने के लिए। अभी बजे है रात के 8, तो अभी जा रहे हैं हम मूवी देखने के लिए। आप ब्लॉग में बने रहें, पति देव का इंतजार करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली यार हम निकल रहे हैं अभी मूवी देखने के लिए। अभी मैं पहन रही हूँ सॉक्स और मैंने माता रानी को टीका लगा दिया। मुझे डर लगता है रात को बाहर जाने के लिए। आप लोगों को भी लगता है ऐसा? टीका टोका लगा के मुझे डर लगता है ना, क्योंकि मेरा मतलब मैंने तो दिन में बोला था, फिर इन लोगों को प्लान हुआ भैया का और इनका कि नहीं अभी चलेंगे, तो फिर इसलिए। और स्वामी जी ने इतने कपड़े पहना दिए ना कि आप लोगों से क्या ही बोलूँ, बता नहीं सकती हूँ। इतने ज़्यादा कपड़े पहना दिए, बिल्कुल गप्पू होता ना, गप्पू बस वही बन चुकी हूँ मैं। ये देखो ऐसी गप्पू बनी हूँ मैं। देखो ऐसे कौन जाता है, लोग इतनी सज धज के जाते मूवी देखने के लिए, और मैं देखो चलो चलते हैं। ताला वाला लगा तो चलो चलते हैं मूवी देखने के लिए, मिलते हैं आपको फिर। तो चल दिए हम लोग मूवी देखने के लिए। और ये है बूढ़ा जी और मैं। बूढ़ा जी फिर अपने कॉल पर व्यस्त हो चुके हैं। चलो मिलते हैं आपको थिएटर के बाहर। भयंकर यार कोहरा इतना भयंकर लगा है ना, ये देखो मतलब दिखाई नहीं दे रहे हैं आगे गाड़ियां। अभी यहाँ से थोड़ा थोड़ा साफ हो चुका है। पहुंच चुके हैं और लेट हो चुकी है इनकी वजह से, लेट हुआ। खत्म हो गए, इन्होंने धोखा दे दिया हमारे साथ। सच में बताओ, कसम से ऐसा गुस्सा फटेगा। हमको लेट हुई नहीं है अभी और भाई आ गए पानी लेके। भाई ने बंदोबस्त कर लिया था वरना तो लेट हो जाती। बुड्ढा जी तो बिल्कुल प्रॉपर लेट हो जाती। चलो चलते। यहाँ पे आ गए थे हम थिएटर के अंदर और अपनी सीट ढूंढ रहे थे। और मेरे साथ क्या हुआ, मैंने कल थोड़ा सा क्लिप डाला था मूवी का और उस पर मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पे वॉइस नहीं डाली है। और मुझे साफ साफ मना कर दिया था कि अगर डालेंगे तो फिर आपका चैनल अकाउंट डिलीट हो जाएगा। फिर मैंने रिस्क नहीं लिया तो फिर मैंने म्यूट कर दिया, वरना मैंने बहुत सारी क्लिप निकाली थी अच्छी अच्छी वाली, फाइटिंग वाली, फिर नहीं डाली और मूवी होगी खत्म। चुकी हमारी मूवी खत्म। वो बाइक का कस्ता लगे, मस्त लगे ना, तो मूवी हो चुकी हमारी खत्म। टोपा हो चुका हमारा टेढ़ा।
और बहुत अच्छी मूवी थी। घर जाके बताते हैं, अभी चलते हैं घर। अभी टाइम हो रहा है 11:45। तो मूवी हो चुकी है ख़त्म, अब हम लोगों को मिलते हैं सीधे घर पे। कोई ब्लॉगिंग नहीं, अभी हो चुकी है रात। गाड़ी यहाँ पे ना मूवी की शूटिंग हो रही है, पता नहीं कौन सी मूवी की, देखते हैं। चलो चलते हैं, तब आपको बताएंगे कौन सी मूवी की शूटिंग शाटिंग चल रही है अंदर। चलता है। तो मूवी की शूटिंग होगी नहीं, मतलब हो गई नहीं होगी इसके बाद जब पूरा मार्केट में। हाँ मैं खा रही हूँ आइसक्रीम। हाँ इसके बाद होगी बल मूवीज की शूटिंग, अभी नहीं, बाद में भी जब मार्केट सुना होगा। पानी में घोड़ा बढ़िया चलेगा, पानी में। अब खाएंगे वे आइसक्रीम। तो यहाँ पर हम आज रात को खाएंगे के लिए, वहाँ पर मूवी की शूटिंग नहीं हो रही थी रात। छोटे पठान की यहाँ पे रोड पति रेप बिलिंग करने कारण डर इतना भयंकर लग रहा था मुझे। छोटे पठान मैंने पढ़ाया पर काम का पठान नहीं है। कल गई थे हम पठान मूवी देखने के लिए, उसके बाद मैं घर आई और घर आके पानी वानी पिया ना गरम करके, तो उसके पास मैं भूल गई आप मतलब वीडियो को एंड करना या वीडियो को आगे कंटिन्यू करना। उसके बाद सीधे सुबह ही मेरा सुबह उठ के काम धाम करके फिर ऐसे कुछ ब्लॉगिंग का था नहीं, तो फिर मैंने सोचा मैं आपको शाम को बैठ के आराम से आपसे बात करूँगी मूवी के बारे में, तो इसलिए मैंने सुबह से भी ब्लॉगिंग नहीं की। तो अभी सीधे मैं फ़ोन उठा रही हूँ अपने हाथ पे। और पठान मूवी मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब बीच बीच में मतलब तो मुझे उसकी स्टोरी समझ में आई कि स्टोरी क्या थी, पर हाँ मतलब उसमें ना लड़ाई वाला सीन ज़्यादा है, मतलब एक्शन मूवी है वो, बोलो तो एक्शन मूवी है, तो एक्शन मूवी तो आपको पता है हिट ही होती है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं जैसे लोग कर रहे ना मतलब विवाद जैसा, मुझे कुछ लगा नहीं कि इसमें कुछ विवाद जैसा है क्योंकि। और हाँ उसमें जो दीपिका पादुकोण है ना उसकी फाइटिंग बहुत अच्छी लगी, भयंकर बहुत अच्छा, मतलब बहुत जो उस जो दीपिका पादुकोण है उनकी जो फाइट मतलब बोले तो लड़ाई कर रही थी फाइटिंग कर रही थी उस वो एक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा उसमें और अच्छा है। और मुझे ये समझ भी नहीं आ रहा था कि सलमान खान भी बीच में दिख रहे हैं, पर अगर होते तो फिर जैसे ये अपने फिल्म के प्रमोशन के लिए जाते हैं तो उसमें तो दिखते ही नहीं, तो फिर बाद में पता चला कि मतलब एक छोटा सा क्लिप है सलमान खान का उसमें, जिसमें सलमान खान शाहरुख खान की मदद करने के लिए आते हैं। और सबसे अच्छा सीन भी मुझे वही लगा पूरी मूवी का, बहुत अच्छा, अगर इसमें सलमान खान रहते ना तो मूवी में 4 चांद लग जाते मतलब। तो कुल मिला के पठान मूवी बहुत अच्छी है, आप लोगों को भी देखने जाना चाहिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं ना जैसे ये लोग वो कर देते हैं, कोई कोई लोग विवाद कर लेते हैं ना, तो उसमें हमें लगता है कि शायद गंदी होगी, नहीं देखना चाहिए। अच्छी मूवी है, हमें जो चीज़ देखना है हम वो चीज़ देखेंगे, जो चीज़ देखना ही नहीं है हम उस चीज़ को माइंड में रखेंगे ही नहीं, है ना। तो मुझे सिर्फ उसमें एक वो वाला मोमेंट अच्छा लगा जहाँ पे सलमान खान आए, और बहुत सारे मोमेंट थे यार शाहरुख खान के, तो बहुत सारे मुझे शाहरुख खान की मूवी अच्छी लगती है। मुझे शाहरुख खान की मूवी में ना मतलब मेरा यह है कि मैं शाहरुख खान की मूवी में रोती ही रोती हूँ, पता नहीं क्यों, क्योंकि तो शाहरुख खान की आवाज़ ऐसी है ना वो दूसरे को भी रुला देगी, मतलब जब वो रोता है ना। तो वैसे उसका रोने वाला सीन तो था नहीं, पर जैसे लड़ाई वड़ाई होती है ना तो उसमें मतलब चट 11 बजे घर, अब पता नहीं कौन सी। और हाँ एक बात और हमने वहाँ पर ना एक मूवी की शूटिंग हो रही थी, कौन सा किसकी आ रही, जिसमें राघव जुयाल कोरियोग्राफर हैं शायद ऐसे कुछ, और किसकी है मूवी और किसकी बोल लेते हैं लीड में कौन है ये पता नहीं। वहाँ पे ना घंटा घर का जो पर्यटन मार्केट है ना वहाँ पे हो रही थी मूवी की शूटिंग, पर जब आ रहे थे तो वहाँ पे सेटअप लग रहा था तब, क्योंकि जब मार्केट सुनसान होगा तभी मूवी की शूटिंग वगैरह होती है, तो उन्होंने बोला कि ऐसी होंगी 2-3 बजे से शूटिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि तब तक क्या होता है कि लोग कम रहते हैं, बहुत कम रहते हैं, तो मूवी की शूटिंग करने में भी आसानी होती है, इसलिए। वरना हमने ना उन दादा को पूछा था जो मूवी के उसमें आए थे, तो उन्होंने बोला 3 बजे स्टार्ट होती है, तो मार्केट ख़त्म रहता है। अब वहाँ पे मूवी के लिए ना नकली वाला बस भी हुई है, अभी बना रही हूँ, अभी तो 5:30 हो रहे हैं, तो
अब बनाएंगे हम खाना पीना, और आज मैं ना बनाऊंगी एक गढ़ मतलब पहाड़ी जो फेमस सब्जी होती है वही बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, क्योंकि बहुत कम लोग बनाते हैं, पहाड़ी लोग बनाते हैं, पर जो बाहर के होते हैं वो बहुत कम बनाते होंगे, मुझे नहीं लगता बहुत बहुत कम, मतलब बनाते होंगे पर तरीका अलग होता होगा, बनाते हैं पर तरीका अलग होता है। तो जो मैं बना रही हूँ जो पहाड़ी पहाड़ी लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, और जो पहाड़ी लोग जो शहर में रहते हैं वो कम करते होंगे, मुझे ऐसा लगता है ना, पता नहीं क्यों। तो अगर बनाऊंगी तो आप लोगों के साथ कन्फर्म शेयर करूंगी, और वो बता देती हूँ क्या बना रही हूँ। मूली का भुटवा बना रही हूँ। हम मुआ भुटवा बोलते हैं ना, मुआ मुआ भुटवा बनाना करके, तो अब हिंदी में बोले तो मूली का भुटवा वो बना रही हूँ आज। तो आप लोग साथ भी शेयर करूंगी। पहले मैं जला लेती हूँ दिया, अभी तो नहीं, थोड़ा देर बाद दिया विया जला के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। मैंने उससे मैंने मूवी के बारे में कुछ बताया नहीं, और आप लोगों से वादा किया था कि मैं बताऊंगी कैसी है क्या है। तो मिलती हूँ आप लोगों को बाद में, तब तक आ लो मेरे पुराने ब्लॉग का एंजॉय करें। तो यहाँ पर मैं बनाने लग गई हूँ अब खाना, और मैंने बताया था वो खाने बना है मूली की सब्जी भुटुआ, और रोटी बनेगी वो भी कोदे की रोटी बनेगी। और अभी मैंने दो प्याज काट लिए, 3 टमाटर डालूंगी छोटे छोटे, और मूली डालूंगी। अभी तेल मैंने रख दिया है, इसके बाद तेल में डालेंगे हम प्याज, और ये स्टैंड में कुछ यूज नहीं हो पाता है स्टैंड वगैरह, और तेल हो गया गर्म, अब डालेंगे हम इसमें प्याज और यहाँ पे लहसुन। प्याज भी टमाटर भी मैं ना लंबाई में काटती हूँ ताकि बाद में डालने के लिए आसानी रहे, अच्छा होता टेस्ट ना, वो ऐसे लगता मूली के साथ ही लगता है। तो काट लेते हैं हम टमाटर। तो इसमें जो प्याज है ना, इसमें तो इसमें प्याज क्या होने चाहिए, ज़्यादा वो नहीं होने चाहिए, ज़्यादा ब्राउन नहीं होने चाहिए, हल्के से सॉलिड टाइप के होने चाहिए, तब मूली के साथ अच्छे लगते हैं। और टमाटर मैंने कुछ ऐसे काटे हैं लंबे में, तब मुझे अच्छा लगते हैं। आपको अगर मतलब वैसे वाले शेप में टमाटर अच्छे लगते होंगे तो आप वैसे डालना, मुझे ऐसे में अच्छे लगते हैं। तो चलो चलते हैं। कुछ ऐसे होने के टमाटर भी प्याज भी तब अच्छे लगते हैं इसकी सब्जी। डालेंगे हम इसमें मसाला। तो मैंने इसमें डाली है मिर्ची, हल्दी, धनिया और नमक, बस ज़्यादा मसाले में ऐड नहीं करती हूँ, मुझे मसाले वाली सब्जी बिल्कुल पसंद नहीं है, कम से कम मसाले में बनाती हूँ खाना। तो ये है, और गैस कर देंगे, अब कम होने लगेगा ना हल्का हल्का, तब इसमें डाल लिया है मूली। तो पहले मैं मूली डालती हूँ फिर मिलती हूँ। इसको कर देंगे मिक्स। तो कुछ ऐसे दिखता है, अब इसे पकने देते हैं 5 मिनट के लिए, ढक्कन दे देते हैं, आंच कम है मेरी। और अपने दूसरे अभी मैं इसे 5 मिनट तक पकने दूंगी, उसके बाद आप लोगों को दिखाऊंगी कलर तो ऐसा ही रहता है, और पर होता बहुत टेस्टी है, और सुबह के नाश्ते में ज़्यादा टेस्टी लगता है। अभी तो मैं तो सूखा खा लेती हूँ, प्रतिदिन चाय के साथ खा लेंगे, क्योंकि मैं बोली ना सूखा, पर सुबह ज़्यादा वो नहीं रहता मेरे को, पर खा लेते हैं। तो प्रतिदिन तो अभी आए नहीं, और मैंने बताया भी नहीं कि मैं ये बना रही हूँ। तो 5 मिनट बाद पकने देते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे, फिर दिखाऊँगी कैसा बना। देखें कुछ ऐसा दिखता है बनने के बाद, टेस्टी टेस्टी सा। आप लोग भी आएँ, खाएं, स्वाद लें, चटकारे लें, और बताएं क्या आपको कैसा लगा अपने घर में भी।
आप लोग भी एक बार जरूर बनाएं मूली का भटुआ और बताएं कि कैसा लगा आप लोगों को, जिन्होंने आज तक नहीं बनाया है उनके लिए है कि वो ट्राई करें और फिर बताएं कैसा बना था। तो इसको कर देते हैं बंद। बन चुकी है सब्जी और आपको एक और आटा मैंने गूंद दिया है। आटा तो मैं तभी बनाती हूँ जब भी बूढ़ा जी आते हैं ना, तो साथ साथ ही फिर अच्छा होता है ना खाना खाने के लिए गरम गरम रोटियाँ। और जो मंडवे की रोटी तो गरम गरम बहुत अच्छी होती है, तो उसी मंडवा आजकल इसलिए खाते हैं क्योंकि मंडवा होता है गरम, तो ठंडियों में गरम चीज़ें अच्छी होती हैं, इसलिए हम आजकल मंडवे की ही रोटियाँ बनाते हैं। तो अभी मुझे ब्लॉग एडिट भी करना है, तो अभी आज के ब्लॉग को मैं यहीं तक रखती हूँ क्योंकि बूढ़े जी आएंगे लेट, शायद लेट ही आएंगे क्योंकि वो बोल रहे थे कि मुझे भी काम है यहाँ पे, तो लेट ही आएंगे, तो बूढ़े जी के आने तक फिर मैं ना एडिट नहीं कर पाती हूँ। फिर रोज़ तो वही दिखाना है, कुछ स्पेशल तो होना नहीं है, खाना बनाऊँगी खाना खाएँगे बस। और वीडियो हो चुकी है बहुत लंबी, और कमेंट में आप लोग जरूर बताना कि आप लोगों ने पठान मूवी देखी नहीं देखी, कैसी लगी, अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना मेरे साथ। तो मिलती हूँ आप लोगों को कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ, एक कुछ नया अद्भुत अविश्वसनीय करेंगे कल हम, मतलब कोशिश करेंगे कि हर ब्लॉग में मैं कुछ अलग ही दिखाऊँ आपको, इसीलिए मैं रोज़ डेली ब्लॉग नहीं वो करती हूँ, रोज़ खाना नहीं दिखाती हूँ। अगर मैंने नॉर्मल सब्जी बनाई तो आज इसलिए मैंने शेयर किया क्योंकि जो मूली का भुटवा होता है बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए शेयर किया। बाकी रोटी वोटी तो सेम ही होता है, तो उसको तो क्या ही शेयर करना आप लोगों के साथ। फिर मिलती हूँ कल सुबह आप लोगों को एक नए ब्लॉग के साथ, और कोशिश करूँगी आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छे से अच्छे से अच्छे वीडियो देखने को मिले। और हाथ की जो ये कटा था ना मेरा, थोड़ा दिख रहा है ना, तो ये पूरा नीचे बोलते हैं ना जो मांस था वो पूरे नीचे हो रखा था, फिर उस पर खून आया दोबारा तो चिपका दिया मैंने फिर खून से ही। तो ठीक है यार, आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ आप लोगों को कल सुबह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, ढेर सारा अपना ख्याल रखें क्योंकि आजकल बुखार भी बहुत खतरनाक चले हैं, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, तो अपना ध्यान जरूर रखना और हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, खुद भी हंसना, दूसरों को भी हंसाना। माता रानी का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा बना रहे। तो वीडियो में जो भी गलती हुई है, जो भी कोई मिस्टेक हुई है बोलने में या वो करने में, क्योंकि अभी तो सीख रहे हैं ब्लॉगिंग, तो उसके लिए माफ़ करना। तो ठीक है, फिर प्रणाम सोते समय का, गुड नाइट, बाय बाय, शिवरात्रि, मिलते हैं कल सुबह नए ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग मेरा पुराना वीडियो ज़रूर इंजॉय करना, अपना ढेर सारा सपोर्ट बनाए रखना, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर करना, आगे से आगे बढ़ाना। और प्लीज़ यार 1000 का लाइक टारगेट मेरा जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर ले, वादा करती हूँ कि उसके बाद आपको बहुत अच्छे से अच्छे से अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे। यूट्यूबर और मुझे दिखाना है लोगों को जो चीज़ें जो उत्तराखंड की चीज़ें बाहर वालों को पता नहीं है, मुझे वो दुनिया के सामने लाना है, बस इसी टारगेट को लेके मैं यूट्यूब पर आई हूँ। तो अपना ढेर सारा सपोर्ट रखें, गुड नाइट, बाय बाय, जय माता दी।